हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं लटकन के ये पांच डिज़ाइन जो कि बनाने में तो बहुत इजी हैं ही हैं और देखने में आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मतलब ऐसे लग रहे हैं कुछ यूनिक न्यू डिज़ाइंस तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है बहुत ही आसान है मैं अच्छे से एक एक तरीके से बताने की कोशिश करूँगी एक एक स्टेप्स तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैंने ना ये फैब्रिक ले लिया है थ्री बाई थ्री का तीन इंच लंबा तीन इंच चौड़ा स्क्वायर फैब्रिक है और दो कलर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो सेम कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको मैं चारों साइड से सिल दूँगी बस एक साइड से हमें क्या करना है थोड़ा सा खुला छोड़ देना ताकि हम उसको ना वापस पलट सकें इस तरह से तो इतना सिल लिया मैंने इसको मैं पलट लेती हूँ अच्छे से और और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट में अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो देखिए मैंने पलट लिया है बस एक साइड जो थोड़ा सा खुला हुआ है ना उस वाले पोर्शन को भी मैं इसे सिल दे रही हूँ इस तरह से अंदर थोड़ा थोड़ा करते हो मतलब ऊपर से मैं सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि ना ये बिल्कुल बंद हो जाए अब और आयरन करना चाहें तो इसको आप आयरन कर सकते हैं आयरन कर लेने के बाद इसकी फिनिशिंग और बेटर हो जाएगी मैंने कर दिया आयरन और इसके बाद हमें क्या करना है इस तरीके से चारों साइड से फोल्ड करके ना इसमें क्रीच बना लेने ताकि ना निशान पता चल जाए हमें कहाँ से सिलाई लगानी है तो इस तरह से हो गया अब एक डोरी लेनी है और ऐसे बीच में रखना है और सिलाई लगानी है हमें सिंपली किसी भी साइड से आप लगा सकते हो मैं पिंक वाले साइड से लगा रही हूँ ताकि ना वाइट वाला साइड डिज़ाइन जो है ना ऊपर की साइड आए आप चाहें तो वाइट वाले साइड से सेम कलर का लेंगे तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ऐसे दो कलर के लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं किस वाले पोर्शन को ऊपर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सिलाई लगा दिया है और अब इसे फोल्ड करते हुए दोबारा से एक बार और सिलाई लगा देंगे डोरी को मिड में रखना है पहले ना हमें थोड़ा फैब्रिक को ज़्यादा दबाना और किनारे पे लेकर आना है और फिर ऐसे ही हमें एंड में भी फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा दबाना है इस तरह से देख सकते हैं आप थोड़ा ट्रैंगर टाइप का शेप आएगा इसके अंदर और इसके बाद हमें क्या करना है सिंपली इन सब में चारों साइड में ना सिलाई लगा लेनी है और चारों कोनों को एक साइड कर लेना है सिल के इसको पक्का कर देंगे ये हो गया ये एक साथ मिल गए और इसको यहाँ से मैं पक्का कर दूंगी और चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं इसका इस लटकन को बनाने के बाद दो तरीके के लटकन रेडी हो जाएंगे देखिए चाहे तो आप ऐसे ही रख लें ये भी सुंदर लगा और चाहे तो आप इसको ऐसे पलट कर ना सिलाई भी लगा दें तो एक डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखा दिया इसको मैं पलट कर भी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कैसे लगता है बनाने में भी बहुत आसान है ये और जैसा कि आप देख सकते हैं देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है मतलब किसी फ़्रॉक में या ब्लाउज़ वगैरह में लगाएंगे तो बहुत हटके डिज़ाइन अच्छा लगेगा ये तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं और अब हम देखते हैं सेकंड वाले डिज़ाइन को इसकी लंबाई और चौड़ाई जो मैंने ली है फोर बाई फोर इंच ली है सिंपली इसे हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है फ़ोल्ड कर लेने के बाद ऐसे इस तरीके से शेप में मोड़ लेना है और उसके बाद हमें डोरी लेनी है और डोरी को हमें इसके मिड में रख लेना है ये देखिए इस तरह से रख लेने के बाद फोल्ड कर लेना है और इसे यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे पूरा एंड तक पक्की सिलाई लगा देंगे और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे मतलब बनाने में भी इतना आसान है और आप देखेंगे ना इसका डिज़ाइन भी कितना सुंदर लग रहा है मतलब जितना हल्का डिज़ाइन बनाने में उतना देखने में कितना सुंदर लग रहा है तुरंत कोई भी बना लेगा बहुत ही ईजी है तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिज़ाइन अब इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड डिज़ाइन और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा था तो बहुत ही आसान थर्ड वाले डिज़ाइन के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ये थ्री बाय थ्री इंच का फैब्रिक है इसको ऐसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा रोज़ वाला टाइप का इसमें शेप आता है बनने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेने के बाद हमें इस तरीके से रखना है देख सकते हैं आप थोड़ा सा ना ट्राइंगल से ऊपर रखना है इस तरीके से बीच में ना इसके हमें डोरी रखना है इस तरीके से रख लेने के बाद मिड में ऐसे और निशान लगा के मैं बता देती हूँ किस तरीके से इसमें हमें सिलाई लगानी है थोड़ा सा ना राउंड करते हुए गोल में मैं वाइट धागे से सिलाई लगा रही हूँ ताकि आपको सिलाई का पता चल जाए किस तरीके से सिलाई लगानी है इसके अंदर ये देखिए ऐसे है और जो भी अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे हम कट कर लेंगे अब सेम ऐसे ही सेम साइज़ का फैब्रिक मैं ले लूँगी थ्री बाई थ्री इंच का एक और फैब्रिक और ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और इसको जो बनाया हमने ना इसके ऊपर रखना है पहले तो ये देखिए जो जो डिज़ाइन है ना उसको नीचे की साइड रखना है प्लेन वाला पार्ट ऊपर की साइड रखना है और सेम वैसे ही डिज़ाइन एक बार और बना देना है और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे और सेम पहले की तरह इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी और इसको अब इसको हम पलट लेंगे दोनों लेयर्स को ऐसे हमें नीचे की तरफ पलट लेना बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनकर रेडी होगा पूरा मतलब रोज़ डिज़ाइन इसका रेडी होता है बनने के बाद और सुंदर तो बहुत ही लगता है ये है थर्ड लटकन डिज़ाइन का फाइनल लुक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अब देखते हैं हम फोर्थ वाला डिज़ाइन तो फोर्थ वाला भी इसको बहुत बनाने लिए के बनाने लिए, लिए, लिए मैंने थ्री बाय थ्री इंच का फैब्रिक लिया है और इसके मिड में ना हम मतलब इसमें ना ट्रिपल लेयर का रोज़ बन रहा तो एक मैंने स्मॉल फैब्रिक लिया है छोटा सा फैब्रिक जिसका वन पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट फाइव यानी कि डेढ़ इंच चौड़ा ये कपड़ा मैंने लिया इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ये तीन इंच वाला जो कपड़ा है उसके अंदर इसको हमें रख लेना है फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से देखिए जैसे हमने पहले रखा था बिल्कुल पर उसके अंदर हमें क्या करना है सिंपली पहले एक छोटा सा एक फ़ैब्रिक फोल्ड करके रख लेना और उसके अंदर डोरी रख लेना और ऐसे सेम टू सेम पहले की तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है ये देखिए और ऐसे ही इसको हल्का सा राउंड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी डोरी को छोड़ते हुए डोरी ना कट जाए ये बन गया और उसके बाद दूसरा वाला भी एक और फैब्रिक है इसको भी हमें ले लेना ये भी सेम थ्री बाय थ्री इंच का ही है लंबाई और चौड़ाई इसकी तीन ही तीन इंच ही है और अब इसको इस तरीके से रख लेना है देखिए पीछे की साइड से और जैसे हमने पहले फोल्ड करा था इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनाते हुए हल्का सा रोज जैसा शेप आना चाहिए ऐसे मिलाते हुए ही देखिए और जो सिलाई जो जिसपे हमने लगाई थी ना पहले उसी पे पूरे पे सिलाई लगा देना ये देखिए सिलाई वाला पोशन दिख रहा है तो इसको हम सिल देंगे पूरा एंड तक इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है इसके ऊपर का कट कर देंगे जो नीचे वाला फैब्रिक था जो जिसपे हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर फैब्रिक रखने के बाद सेम उसी जगह पे मैंने इस पे सिलाई लगा दी आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप हाथ रखोगे ना उसके ऊपर तो इस फाइनल लुक रेडी हो चुका है पिछले वाले में ना दो लेयर थे इसमें तीन लेयर है अब फिफ्थ वाला डिजाइन देख लेते हैं इसको बनाने के लिए देखिए थ्री बाय थ्री इंच का ही फैब्रिक लिया और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद ना इसको यहाँ तक एंड तक बिल्कुल कॉर्नर तक मिला लेना दोनों साइड से और ऐसे ना थोड़ा थोड़ा हमें साइड से फोल्ड कर लेना इस तरह से बीच में हम रख लेंगे डोरी डोरी को जो है ना सामने वाली साइड से इस तरीके से रखना है देखिए मिड में बिल्कुल और डिज़ाइन जैसे फैब्रिक का फोल्ड कर रखा है हमने बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना और वैसे पलट के इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है एंड तक पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी और ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बस इसको पलट लेना है तो देखिए मतलब बहुत ही इजी है और सिंपल डिज़ाइन है उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा आज की वीडियो से तो बताते थैंक यू